हेलो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर लिमिट एंड डेरिवेटिव आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और आज का बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का जो टॉपिक ऑफ स्टडी है वो बेसिकली लिमिट के हैं कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा जब आप फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर क्वेश्चन में जरा सा भी चेंज आ जाए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर पाएंगे इसमें आज हम लोग जो स्टडी करेंगे व्हाट इज लिमिट व्हाई इट इज नीडेड फंक्शनल वैल्यू क्या होती है ऑलरेडी आपको नोन है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है अनडिफाइंड फॉर्म क्या होती है इन्फिनिटी ये आपको नोन है इसमें डिफरेंस क्या होता है बहुत बार कंफ्यूजन होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में अनडिफाइंड फॉर्म में इंफिनिटी में डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इसे देख के हम लोग छोड़ देते हैं कि इसे पढ़ने की जरूरत ही है पर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है इंटरेस्टिंगली बहुत इजी है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो ये सारे हम लोगों के कॉन्सेप्ट है मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट पे आप जरूर ध्यान दीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं साथ साथ चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर हम ये लिमिट जो है बेसिकली कैलकुलस में स्टार्ट होता है तो अगर हम कैलकुलस की बात करें तो इन कैलकुलस वी स्टडी चेंज इन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन डोमेन चेंज फंक्शन आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डोमेन पढ़ चुके हैं तो रेंज पढ़ चुके हैं तो ये सारी चीजें आप लोग डोमेन रेंज फंक्शनल वैल्यू सब चीजें आप पढ़ चुके हैं हैं तो तो यहां पे कैलकुलस की जब हम बात करते वी स्टडी चेंज इन दैल्यू ऑफ द फंक्शन एज दैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन डोमेन चेंज जैसे जैसे डोमेन में हम लोग वेरिएबल को चेंज करते हैं तो फंक्शनल वैल्यू कैसे चेंज होती है वो हम कैलकुलस में स्टडी करते हैं और जो लिमिट है बेसिकली लिमिट इज द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस ओके okay? तो जैसे ज्योमेट्री में है तो ज्योमेट्री में हम स्टडी करते हैं शेप की Algebra है एल्जेब्राइल में स्टडी करते हैं जर्नलाइजेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर ओके तो इसी तरह से यहां जो कैलकुलस है इसमें हम स्टडी करते हैं चेंज इन दैल्यू ऑफ द फंक्शन एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन डोमेन चेंज ओके अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल से भी इसको आपको समझाते हैं कि सपोज आपके पास एक फंक्शन है ऑलरेडी आप ये एग्जाम्पल से दिस इज एग्जाम्पल फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्स बिलोंग्स टू आर एक्स की कोई सी भी आप यहां पे y fx, और जो फंक्शन होगा वो क्या होगा वो जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो रियल होगी जैसे इसे यहां पे भी देख लेते हैं, कि सपोज आपके पास ये फंक्शन एफ एक्स है यहां पे आपके पास माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री ये सारे है, तो माइनस थ्री की इमेज क्या होगी नाइन टू की माइनस टू की फोर देन वन की वन देन टू की फोर थ्री की नाइन डोमेन ऑफ एफ क्या होगा डोमेन ऑफ एफ तो आपके पास ऑल रियल नंबर यहां पे एक्स की कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और रेंज ऑफ एफ क्या होगा रेंज ऑफ एफ मींस जो इमेज मिलती है उनका कलेक्शन और वो आपके पास है क्लोज्ड ओपन इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी मींस नॉन नेगेटिव रियल नंबर ओके okay, देखिए यहां पे आपके पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर है क्लियर तो इट मींस व्हाट कि अब हम अगर इसको कंक्लूड करें तो इसको कंक्लूड कैसे करेंगे कि हियर एट ईच पॉइंट पॉइंट इन डोमेन डोमेन का कोई भी आप यहां पे ले लीजिए वी गेट फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल रही है यहां पे एक्स की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे आपको एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी और इसीलिए हम लोग आगे फर्दर स्टडी करते अदर प्रॉपर्टीज का कैलकुलस में ओके okay? पर अब क्या है अब अगर आपको कोई तो यहां पे अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसके लिए फंक्शनल वैल्यू ना हो तब क्या करेंगे हम लोग तब कैसे फर्दर स्टडी करेंगे तो यहां से यूज होता है हमारे पास लिमिट का तो यही सारी चीजें हैं तो देखिए यही हम लोगों ने लिखा कि हेयर एट ईच पॉइंट इन डोमेन वी गेट फंक्शनल वैल्यू एंड दस वी कैन फर्दर स्टडी द अदर प्रॉपर्टीज इस एफ एक्स को हम कहते हैं फंक्शनल वैल्यू इज फंक्शनल वैल्यू ये हमारे पास जो हमने बताया आपको ऊपर जो लिखा था कि फंक्शनल वैल्यू क्या होती है यह एफेक्स फंक्शनल वैल्यू होती है विच इस फंक्शन की अगर हम बात करें विच वी कैन डिटरमाइन अगर हम एफेक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये फंक्शनल वैल्यू वी कैन डिटरमाइन ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर डोमेन की सभी वैल्यू के लिए हम फंक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं अब यहां पर देखिए एक वर्ड हमने यूज किया विच वी कैन डिटरमाइन अब अगर हम इसमें यह कहना चाहें कि देर आर फंक्शंस देर आर फंक्शंस फॉर विच वी कैन नॉट डिटरमाइन दंक्शनल वैल्यू at some point for example, अगर इसके iske की बात करें कि ki fx is equal to x square minus फोर upon x minus टू at x is equal to टू तो कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें किसी पॉइंट पर हम लोग फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे या वी कैन नॉट डिटरमाइन हमने लिखा वी कैन नॉट डिटरमाइन इसी से बनाए इन डिटर दितर्म, तो यहां पे ये x इज इक्वल टू टू पे फंक्शनल वैल्यू हमें नहीं मिलेगी ये आ जाएगा आपके पास जीरो इनडिटर्मिनेंट क्यों होता है इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि इनडिटर्मिनेट है वो भी देख लेते हैं तो सबसे पहले देखिए कि, कि कितने तरह की फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है टोटल देयर आर सेवन फॉर्म जिसे हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं और इनडिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या होता है किस तरह की फॉर्म को हम इनडिटर्मिनेंट कहते हैं क्या वन अपॉन जीरो भी इनडिटर्मिनेंट है क्या वन अपॉन इंफिनिटी भी इनडिटर्मिनेंट है तो ये सारी चीजें हमें कंफ्यूज करती हैं ओके तो कौन कौन सी फॉर्म इनडिटर्मिनेंट कहलाती है और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती क्या है क्यों इसे इनडिटर्मिनेंट कहते हैं वो अब आपको बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर आपके पास सेवन फॉर्म्स होती है जिसे हम इनडिटर्मिनेंट कहते हैं फिर आपके पास आएगा कि जो हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू ये एक्स इज इक्वल टू टू पे इनडिटर्मिनेंट क्यों कहा हमने इसको ओके देखिए आपको डिवीजन रूल पता है इसके नोट्स भी आपको तैयार करवा रहे हैं तो आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए ये चीजें आपको कहीं पे शायद शायद ही मिले तो साथ साथ इसके नोट्स भी तैयार करते रहिए आपको डिवीजन रूल पता है कि इफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एम दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू एम वाई एक्स और वाई दो रियल नंबर है आप डिवाइड करेंगे आपको एक नंबर मिलेगा एंड दैट एक्स इज इक्वल टू एम इन टू वाई जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए गए तो ट्वेल्व अपॉन फोर इज इक्वल टू थ्री दिस इंप्लाइज ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर इन टू थ्री ओके तो इंपॉर्टेंट आ रहा है देखिए अब इसे ध्यान से देखिएगा अब ए आता है सबसे पहले इनडिटर्मिनेंट भी आएगा अनडिफाइंड भी आएगा इन्फिनेटी भी आएगा हम लोगों ने क्या किया एक्स अपॉन जीरो इज इक्वल टू एम हमने एज्यूम किया कि एक्स को अगर हम जीरो से डिवाइड करें तो हमें क्या मिला एम मिला इट मींस अगर हम इसमें डिविजन रूल लगाएं तो क्या होगा x इज इक्वल टू जीरो इन टू एम विच इज नॉट ट्रू ट्रू क्यों नहीं है कि जीरो से जब हम किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो होगा और ये आपके पास नॉन जीरो है तो इट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू विच इज नॉट ट्रू अगर ये ट्रू नहीं है इट मीन्स वट कि ये जो हमने डिविजन लगाया है ये आपका अनडिफाइंड है डिफाइंड ही नहीं हो रहा है देखिए अभी इंडिटर्मिनेंट के ऊपर नहीं जा रहे हैं ये क्या रहा है ये डिफाइंड ही नहीं हो रहा है डिवीजन प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता है इट मींस अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अनडिफाइंड मिलेगा उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते कई बार इसे हम लोग इंफिनिटी भी कह देते हैं पर टेक्निकली इट्स नॉट फेयर आप मैथ्स में कैलकुलस में यूज कर सकते हैं इसको कैलकुलस में हम इसे यूज करते हैं बेसिकली इंफिनिटी जो है वो लिमिटिंग वैल्यू होती है इस 12 अपॉन जीरो की डायरेक्ट नहीं होती इन ट्वेल्व अपॉन जीरो नॉट डायरेक्टली इन्फिनिटी लिमिटिंग वैल्यू होती है वो भी हम समझाएंगे आपको तो क्लियर हो गया तो बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइड डिविजन प्रिंसिपल तो इसलिए ये जो एक्स अपॉन जीरो है हम जीरो को जो है जब जीरो से किसी को डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइंड ही नहीं होता Case. तो इस इट मींस व्हाट की एक्स अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड इसे हमने कह दिया अनडिफाइंड अब देखते हैं सेकंड केस सेकंड केस क्या है? हमने कह किया जीरो को जीरो से ही डिवाइड किया नॉर्मल कोर्स में जब हम वन को वन से डिवाइड करते हैं वन टू वन थ्री किस सेम नंबर से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर दें गेट वन तो जीरो अपॉन जीरो भी तो वन होना चाहिए पर जीरो, जीरो वन तो नहीं होता तो सपोज हमने एक नंबर जीरो को जीरो से डिवाइड किया एंड वी गेट एम तो डिवीजन प्रिंसिपल के हिसाब से इज इक्वल टू एम होना चाहिए कि बहुत एक छोटा स्मॉल नंबर है जीरो का और उसे जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। जबकि टेक्निकली ये जो आपके पास है टेक्निकली ये सही है इट मीन हम उसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं और वही हमने लिखा कि विच इज ट्रू बट कैन नॉट डिटरमाइन एम ओके तो देखिए हमने यही लिखा विच इज ट्रू बट वी कैन नॉट डिटरमाइन एम हम एम को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। है तो ट्रू तो इसीलिए हम इसे इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं इसीलिए इसमें क्या है वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है बट वी कैन नॉट डिटरमाइन वैल्यू एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी डिटरमाइन इसीलिए हम इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ये जो जीरो की छह आती हैं ओके okay, एक हमने समझा दिया अब थर्ड आता है हमारे पास तो हमने आपको इनडिटर्मिनेंट बता दिया अनडिफाइंड बता दिया एक आता है हम एक्स अपॉन जीरो इज इक्वल टू तो हमने अभी आपको बताया एक्स अपॉन जीरो क्या है अनडिफाइंड है पर कई बुक्स में जैसे आपने पढ़ा होगा जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो। तो, तो इंफिनिटी भी, तो भी गलत नहीं है टेक्निकली आप कह सकते हैं बेसिकली क्या है इसमें एक छोटी सी चीज छुपी हुई है कि इंफिनिटी जो है बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू है तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये this is equal to infinity ये जो है ये लॉजिकली जो है नॉट करेक्ट है बेसिकली क्या है जो एक्चुअल है वो एक्चुअल ये है कि लिमिट a टेंड्स टू 0 x अपॉन a इज इक्वल टू इंफिनिटी कि जैसे-जैसे a ये छोटा होता चलाएगा जितना छोटा होगा आपके पास x अपॉन a की वैल्यू उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी आप 12 को 6 से डिवाइड करेंगे आपको 2 मिलेगा 12 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा 12 को 2 से डिवाइड करेंगे आपको 6 मिलेगा तो जैसे जैसे ये नंबर डिनोमिनेटर वाला क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ये वैल्यू क्या और ये इंक्रीज हो रही है तो जैसे जैसे ये आपके पास जीरो की तरफ जाएगा ये बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी की तरफ बहुत बड़े की तरफ चला जाएगा तो ये बेसिकली जो इंफिनिटी है ये लिमिटिंग वैल्यू है ओके okay, क्लियर हो गया तो इट मींस व्हाट अगर हम इसे कॉन्क्लूड करें तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में इसकी वैल्यू होती है हैज अ वैल्यू विच कैन नॉट बी विच कैन नॉट बी प्रिसाइजली नोन जिसे हम एक प्रिसाइसली जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते और अनडिफाइंड हमारे पास क्लियर हो गया कि अनडिफाइंड की क्या हुई कि डज नॉट हैव अ वैल्यू ओके तो जब तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाता है तो हमें लगता है कि वैल्यू निकलनी चाहिए निकल नहीं पा रही है तो हम लोग क्या करते हैं कुछ फर्दर आगे यूज करते हैं अपनी ट्रिक्स का जिससे कि हम उस इंडिटर्मिनेंट फॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सके और वहीं पे हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट लेके आए ओके तो इसे एग्जांपल्स इस में देखिए कि सपोज हमारे पे ये सेकेंड एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन तो एट एक्स इज इक्वल टू वन एफ वन क्या है जीरो अपॉन जीरो मीन्स है ओके okay, और डोमेन ऑफ एफ तो इसलिए जो है यहां पे हमारे पास जो डोमेन ऑफ एफ है वो क्या है ऑल रियल नंबर माइनस वन इसमें से हम लोग वन को रिमूव कर देते हैं अब हमने डोमेन में क्योंकि वन पे तो हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई तो डोमेन में से हमने वन को रिमूव कर दिया अब क्या होगा अब हम लोगों को लिमिट फाइंड आउट करने के लिए तो डोमेन ऑफ एफ इज आर माइनस वन मीन हम लोगों का ये जो पॉइंट वन है जिस पे फंक्शनल वैल्यू हमें नहीं मिल रही है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रही है ये फंक्शन वन पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दे रहा है हमें तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम जो एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे नियर टू वन तो यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे देन वी फाइंड वैल्यू एफ एक्स नियर टू वन दैट इज इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अब ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ वन का कॉन्सेप्ट क्या है कुछ नहीं है बहुत सिंपल है इसमें क्या है बेसिकली कि वन पे जो है आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रही है तो आपने वन से एक बहुत छोटी वैल्यू ली पॉइंट से नाइन वन से एक बहुत छोटी वैल्यू बढ़ाई आपने वन पॉइंट जीरो वन इनके बीच में भी आपने वैल्यू ले ली पॉइंट नाइन नाइन यहां पर ले लिया पॉइंट नाइन 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 यहां पर आपके पास वन पॉइंट जीरो जीरो वन और यहां पर वन पॉइंट जीरो 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 वन ओके okay, तो अब हम क्या करते हैं जो ये वन से छोटी वैल्यू है ये जो वन है इससे जो छोटी वैल्यू है हम एप्रोच कराते हैं वन की और देखते हैं फंक्शनल वैल्यू क्या मिलेगी यानी कि एक्स वेन एक्स इज इक्वल टू पॉइंट नाइन तो एफ एक्स क्या होगा वेन एक्स इज इक्वल टू पॉइंट नाइन नाइन एफ एक्स क्या होगा वेन एक्स इज इक्वल टू पॉइंट नाइन नाइन एफ एक्स क्या होगा इसी तरह से जब एक्स वन पॉइंट जीरो वन है तो क्या होगा ये है तो क्या होगा और 1.001 है तो क्या होगा मींस एक्स की एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है और वन, वन की तरफ टू वर्ड अप्रोच कर रही है तो किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं तो ये जो आपके पास है ये इस वन का, इस वन वन का को हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो इसीलिए हम लिखते हैं डिलीटेड वन वन पे वैल्यू नहीं फाइंड आउट करते क्योंकि हमें वन पे तो पता है इनडिटर्मिनेट है इसीलिए हम कहते हैं डिलीटेड और नेबरहुड नेबरहुड पे देखना है और डिलीटेड मीन्स वन को डिलीट कर दो तो देखिए टर्म से ही आपको समझ में आ रहा है कि डिलीटेड है और नेबरहुड है नेबरहुड ऑफ वन तो है ही पर वन डिलीटेड है तो दिस इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट अब इसे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन अब आपको समझ में आ जाएगा कि नेबर नेबर क्या होते हैं यही था कि नेबर सबसे पहले हमने देखा नेबर क्या होते हैं तो नेबर क्या लेट सी बिलोंग्स टू आर जैसे यहां पे वन है वन बिलोंग्स टू आर देन एनी रियल नंबर नियर टू सी तो सी के पास में जो भी रियल नंबर होंगे उन्हें नेबर्स कहेंगे जैसे आपके नेबर्स हैं वैसे ही जो है सी का नेबर है अब इसी तरह से ये नेबरहुड ऑफ सी क्या है तो नेबरहुड ऑफ सी में बहुत सिंपल है जैसे आपके पास ये वन था ये आपने डेल ले लिया सपोज पॉइंट वन तो ये आ गया पॉइंट नाइन और ये आ गया वन पॉइंट वन वन माइनस पॉइंट वन एंड वन प्लस पॉइंट वन दैट इज पॉइंट नाइन एंड वन पॉइंट वन तो ये जो ओपन इंटरवल है मींस ये वाला जो ओपन इंटरवल है ये आपका इसके बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे इस ओपन इंटरवल के बीच में वो इस वन के नेबरहुड कहलाएंगे ओके इसमें पॉइंट नाइन नाइन भी होगा पॉइंट नाइन 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 भी होगा और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे इसी तरह इसमें वन पॉइंट जीरो वन भी होगा वन पॉइंट जीरो जीरो वन भी होगा और भी बहुत सारे पॉइंट आएंगे नेक्स्ट आता है डिलीटेड नेबरहुड क्या है अब डिलीटेड नेबरहुड भी इसी से बना है डिलीटेड नेबरहुड में क्या है कि हम इस ओपन इंटरवल में इस वाले ओपन इंटरवल में इस वन को एक्सक्लूड कर दें इस वन को हम एक्सक्लूड कर दें वन को अगर हम इग्नोर कर दें तो जो हमें इंटरवल मिलेगा उसे हम डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं मींस डिलीटेड का मतलब वन को हमने डिलीट कर दिया तो जैसे आपको बताया है कि इसमें से ये जो ओपन इंटरवल मिला इसमें से आपने सी को डिलीट कर दिया इसी तरह से तो लिखते थे आपने ओपन इंटरवल लिखते थे माइनस एक सेट सिंगल टर्न सेट है जिसमें सिर्फ एलिमेंट सी है तो ये जो है आपका ये पूरा का पूरा ये कहलाता है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी और लिमिट जो हम लोग निकालते हैं वो डिलीटेड नेबरहुड पर ही फाइंड करते हैं क्योंकि जब एफ एक्स की बात करते हैं X 4 X 2, तो पे पे तो to, 2 पे तो फंक्शन इनडिटर्मिनेंट दे रहा है तो दे रहा है तो टू को छोड़ के हम लोग बाकी सभी उसके पास में हमने एक पॉइंट लिया सपोज टू पॉइंट वन इधर लिया वन पॉइंट नाइन और ये जो इंटरवेल है इसके बीच में हम सारी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसके नेबरहुड में पे नहीं टू को हम एक्सक्लूड कर देते हैं और तभी ये आगे फर्दर सॉल्व हो पाता है मैंने आपको यही बताया था कि जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलती है मींस प्रिसाइज वैल्यू है तो सही पर हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक अप्लाई करते हैं तो ट्रिक क्या हमने करी डिलीटेड नहीं फाइंड कर दिया सबसे पहले उस इंटरवल में से टू को हटा दिया क्योंकि जैसे टू पे जाएंगे फॉर्म मिल जाएगी अब आपने टू को हटा दिया और बाकी उसके जो आसपास की वैल्यूज हैं उन पे वैल्यूज फाइंड आउट करी और उसका पैटर्न देखा कि पैटर्न क्या और उसी पैटर्न के फंक्शन की वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू है उके? इसे अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज हम लोग यही एग्जाम्पल ले लें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टू तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन इनडिटर्मिनेंट है ओके okay? तो अब हम क्या करेंगे इसका डिलीटेड नेबरहुड देखेंगे डिलीटेड नेबरहुड मीन्स टू को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट ओके okay? तो क्या आएगा हमारे पास अब हम लोगों ने क्या किया एक टेबल बना ली एक्स और एफ एक्स की वैल्यू यहां पे है टू टू से बहुत एक डेल एक बहुत छोटी क्वांटिटी है सपोज पॉइंट वन है तो ये हो जाएगा आपके पास वन पॉइंट नाइन और इधर से आपने एक पॉइंट ले लिया टू पॉइंट वन अब अब आपको क्या करना है इससे टू की तरफ अप्रोच करना है टू से छोटी वैल्यू जो है 1.9 इससे जो है आपको टू की तरफ अप्रोच करना है और टू से जो बड़ी वैल्यू ली है उससे भी आपको टू की तरफ अप्रोच करना है तो 1.9 पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी देखिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू था तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू ये कैंसल्ड आउट एक्स प्लस टू आप कहते हैं सर ये पहले ही कर लेते हैं आप आपने पहले कर लेते तो हमें कुछ लिमिट लिमिट का ही ही ना होता, लिमिट निकालनी ही नहीं पड़ती हम लोगों को। एक्स इज इक्वल टू टू पे फंक्शन की वैल्यू फोर, फोर नहीं आ रही है एक्स माइनस टू कैंसल्ड आउट किया है ये तभी किया कि जब आपके पास एक्स टू नहीं है आप इसीलिए डिलीटेड नेबरहुड का यूज कर रहे हैं यहां पे ये यह जो टू है ये डिलीटेड नेबरहुड है इसमें जो एफ एक्स है एक्स टू नहीं है ये लिखने की जरूरत नहीं है बुक में नहीं लिखा हुआ और लिखने की जरूरत भी नहीं है अब आपने डिलीटेड नेबरहुड का समझ लिया अब आपको समझ में आ जाएगा अदरवाइज क्या होता है हम लोग यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं कि इतना सब करने की जरूरत नहीं थी एक्स माइनस टू से x -2 कर दो एक्स प्लस टू वैल्यू मिल रही है अब हम इतना सब करने क्यों करें तो तो ये तो सीधा एक ही लाइन में निकल रहा था हमने वन पॉइंट नाइन लिया टू पॉइंट वन लिया फिर इधर अप्रोच कराया फिर उधर अप्रोच कराया तो इतना सब क्यों करा इतना सब इसलिए करा क्योंकि ये जो आपकी टर्म x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो रही है ये इसीलिए कैंसिल हो रही है कि यहां पे जब हम इसे कैंसिल कर रहे हैं तो ये हम अंडरस्टूड है कि x इज नॉट इक्वल टू टू जो अभी हमने डिलीटेड नेबरहुड का बताया। अगर x is equal to 2 है तो ये कैंसिल नहीं होगा ओके okay? अब क्या है हमारे पास अब हमने 1.9, 1.9 पे x की वैल्यू जब 1.9 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी दिस इज 3.9, पॉइंट नाइन 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 है तो क्या होगी थ्री पॉइंट नाइन 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 है तो क्या होगी थ्री पॉइंट नाइन 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 ओके okay. इसी तरह से 2.1 पे 4.1 2.01 पे 4.01 2.001 पे 4.001 ओके okay. अब यहां पे क्या है यहां पे 2 से लेस वैल्यू देखिए ये जो वैल्यू है ये 2 से लेस है इसे हम लिखते हैं 2 से 2 माइनस x अप्रोचेस टू 2 माइनस इसका मतलब है कि 2 से लेसर वैल्यू से 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये है 2 प्लस देखिए यहां से टू प्लस से अप्रोच कर रहा है टू की तरफ ओके okay? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसे लिखते हैं हम लोग x अप्रोचेस टू टू प्लस अब क्या हुआ अब जब x नेगेटिव टू लेस से टू की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू क्या मिल रही देखिए थ्री पॉइंट नाइन थ्री पॉइंट नाइन नाइन थ्री पॉइंट नाइन 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 थ्री पॉइंट नाइन 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 थ्री पॉइंट थाउजेंड टाइम नाइन दिस अप्रोच इज टू जो फंक्शनल वैल्यू है ये अप्रोच कर रही है फोर को इसी तरह से जब टू प्लस वैल्यू से टू की तरफ अप्रोच कर रहा है तो क्या हो रहा है फंक्शनल वैल्यू अगर आप इसे ध्यान से देखें फोर पॉइंट वन फोर पॉइंट जीरो जीरो वन फोर के पास आता चला जा रहा है मीन्स फोर की तरफ आ रहा है मीन्स इसको अगर हम इसी तरह से कॉन्क्लूड करें तो क्या लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस जो एफ एक्स है एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स टू से लेस वैल्यू से टू की तरफ अप्रोच कर रही है तो हमें मिल रही है टू और इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड से आ रही है ना ये और इसी तरह से जब एक्स टेंस टू टू प्लस एफ एक्स टू से बड़ी वैल्यू से टू की तरफ जब अप्रोच करेगा तो फंक्शन वैल्यू हमारे पास ये टू नहीं फोर है तो फंक्शनल तो हम लोगों को जो लिमिटिंग वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है फोर इसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट ओके okay? तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिलीटेड नेबरहुड का तो यहां पे अगर अब हम लोग बात करें तो यहां पे आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इसीलिए हम इसे कहते हैं कि लिमिट अब इसे जनरलाइज करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू टू कि जैसे जैसे एक्स टू की तरफ अप्रोच करेगा चाहे तो लेफ्ट से करे चाहे राइट से करे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो आपके पास फोर होगी ओके okay? तो अगर हम इसे जर्नलाइज करें तो इन जर्नल क्या कहते हैं हम कि इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स ए को अप्रोच कर रहा है एफ एक्स एल को अप्रोच कर रहा है एक्स ए को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से एफ एक्स एल को अप्रोच कर रहा है तो हम कहते हैं कि

फंक्शनल वैल्यू आई ओके और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आई जैसे अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसमें देखें तो जैसे अभी हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू अगर हम से वन की बात करते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू वन का स्क्वायर वन ही होगा और ये तो लिमिटिंग वैल्यू हो गई फंक्शन की और एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन ये भी वन होगा ये फंक्शनल वैल्यू हो गई तो मीन यहां पर क्या है फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल है फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू पर हमेशा ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है देखिए एग्जाम्पल देखते हैं अब क्या है हमारे पास जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्स फोर अपॉन एक्स माइनस टू तो यहां ये क्या थी ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थी ये आपके पास इनडिटरेंट थी मीन इसे आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे ओके okay, तो ये भी क्लियर हो गया कि लिमिटिंग वैल्यू जरूरी नहीं है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम मिले आपको लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं भी हो सकती अब थर्ड क्या आता है हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू जीरो एक्स प्लस टू एक्स इज लेस देन ये डिफाइंड है जीरोक्वल टू जीरो पे और ये एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे ओके okay, अगर हम इसमें यहां पर फंक्शनल वैल्यू एक्स और एफ एक्स निकालें ओके okay. तो क्या होगा यहां पे जीरो हम लोग इसका डिलीटेड नेबरहुड ले लेते ले हैं तो यहां पे आ जाएगा माइनस पॉइंट वन माइनस पॉइंट जीरो वन माइनस पॉइंट से जब लेस की वैल्यू देखिए जब जीरो से लेस की वैल्यू है तो एक्स वेन एक्स इज लेस देन जीरो तो फंक्शनल वैल्यू है एक्स माइनस टू तो एक्स माइनस टू मीन्स एक्स तो है आपके पास माइनस पॉइंट वन माइनस टू मीन्स माइनस टू पॉइंट वन माइनस टू पॉइंट जीरो वन माइनस टू पॉइंट जीरो जीरो वन ओके अब हमने क्या किया एक वैल्यू बड़ी ले ली मीन्स यहां पे ले लिया हम लोगों ने पॉइंट वन देन पॉइंट जीरो वन देन पॉइंट जीरो जीरो वन तो वन पे कितनी मिली अब ये वैल्यू जो है जीरो से बड़ी है तो वेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन डिफाइंड है एक्स प्लस टू से तो ये कितना हो गया ये हो गया टू पॉइंट वन ये हो गया टू पॉइंट जीरो वन ये हो गया टू पॉइंट जीरो जीरो वन इट मीन्स वट कि अगर आप इसे यहां पे ध्यान से देखें तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स ये तो आपके पास है माइनस टू देखिये माइनस टू पॉइंट वन माइनस टू पॉइंट जीरो वन माइनस टू पॉइंट जीरो जीरो वन माइनस टू की तरफ अप्रोच कर रही है एस जैसे जैसे एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जब ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है मींस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स ये क्या दे रहा है यहां परीरो वन टू पॉइंट जीरो जीरो वन मींस टू की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इट मींस यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मैंने आपको बताया था कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तो देर आर केसेस जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं होती देर आर केसेस जहां पे फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं होती देर आर केसेस जहां पे फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम भी होती है ओके तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट अब हम लोग एग्जाम्पल से भी आप लोगों को क्लियर कर दिए तो अब जो अगर आपके एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ये क्वेश्चन सारे अब आपके चुटकियों में होते चले जाएंगे फॉर्मुले लर्न करने और आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे तो इन सबको आप नोट्स हम लोगों ने आपको नोट्स भी तैयार करवाए हैं आपके आप नोट डाउन कर लीजिए और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप हम लोगों से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए विद डेट ऑल थैंक यू